हेलो एवरीवन, आज वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा हाईराइडर के बारे में। ये रहेगा इसका बेस वेरिएंट जो कि है ई वेरिएंट। तो चलिए शुरू करते हैं वाली वीडियो एंड देखते हैं आपको बेस वेरिएंट के अंदर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। अब फ्रंट साइड से देखें तो हाईराइडर के बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको एलईडी डीआरएल्स और प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का ऑप्शन मिल जाता है एंड फ्रंट से कोई भी ये नहीं बता सकता कि ये इसका बेस वेरियंट है। सेंटर से देखें तो इसके अंदर आपको स्लीक ग्रिल मिलती है जिसके अंदर आपको ब्लैक और क्रोम इंसर्ट्स मिल जाती हैं। जबकि अगर आप मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा देखेंगे तो इसके अंदर आपको थोड़ी ज्यादा बड़ी ग्रिल मिलती है। नीचे की तरफ देखें तो इसके अंदर आपको सिल्वर फिनिश के अंदर स्केट पैड भी मिल जाती है। हाईराइडर के अंदर आपको टोटल दो इंजन ऑप्शन मिलेंगे जो कि रहेंगे 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन, एक रहेगा आपका माइल्ड हाइब्रिड एंड दूसरा रहेगा आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। साइड से देखें तो इसके अंदर आपको फुल बॉडी क्लैडिंग एंड 17 इंचेस के स्टील व्हील मिलेंगे विद व्हील कवर्स एंड ये व्हील कवर्स आपको कहीं ना कहीं अलॉय व्हील लगेंगे। एंड टोयोटा ने कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। इसके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स, शार्क फिन एंटीना, कीलेस एंट्री विद पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स मिल जाती हैं। जो आपको मिसिंग लगेगा वो रहेगा इसका पैनोरामिक सनरूफ एंड रूफ रेल्स। साइड से अगर हम बात करें तो इसके अंदर आप रूफ रेल्स एंड विंडो क्रोम गार्निश बाहर से एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं। एंड अगर आप क्रेटा या फिर सेल्टोस का बेस वेरिएंट देखें तो इसके अंदर आपको ऐसे फीचर्स बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। ओवरऑल पैकेज ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी रियर साइड। रियर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एलईडी टेल लैंप्स मिल जाती हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्रोम इंसर्ट्स भी मिलेंगे। रियर से जो आपको मिसिंग लगेगा वो रहेगा रियर वाइपर एंड रिवर्स पार्किंग कैमरा। नीचे की तरफ भी आपको सिल्वर फिनिश के अंदर स्किड प्लेट मिल जाएगी। एंड पर्सनली मेरे को रियर से ग्रैंड विटारा की लुक थोड़ी ज़्यादा बेटर लगती है एज़ कम्पेयर टू टोयोटा हाईराइडर। अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो इसके अंदर आपको 373 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। एंड जैसे कि ये बेस वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। अब इंजन ऑप्शन की बात करें तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। एंड इसके अंदर आपको 103 bhp की पावर मिलेगी एंड 137 Nm का टॉर्क। कलर ऑप्शंस की बात करें तो फर्स्ट कलर आपने देख ही लिया रेड, ये इसका सेकंड कलर जो कि है ब्लू। इसके बाद आ जाता है वाइट कलर, नेक्स्ट रहेगा इसका ब्लैक कलर जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये इसका ग्रे कलर। इसके बाद आ जाएगा इसका सिल्वर कलर एंड लास्ट एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक कलर जो कि है इसका ब्राउन कलर। एंड पर्सनली मेरे को अभी तक ये कार काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रही है एज़ कम्पेयर टू क्रेटा या फिर सेल्टोस। अब इंटीरियर से बात करें तो इसके अंदर आपको फुल ब्लैक इंटीरियर्स मिलेंगे, जबकि अगर आप इससे ऊपर वाला वेरियंट लेंगे तो इसके अंदर आपको ब्लैक विद ब्राउन कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब फीचर्स की बात करें तो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम को छोड़कर बाकी सब कुछ मिल रहा है। इसके अंदर आपको ऑल 5 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, ऑल 4 पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ओआरवीएम्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसे फीचर्स मिल जाएंगे जो कि आप बेस वेरिएंट में एक्सपेक्ट नहीं करते, जैसे कि ऑटो एसी, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल एंड पुश बटन स्टार्ट जैसे फीचर्स। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 4.2 इंचेस की एक बड़ी एमआईडी मिल जाएगी एंड आपको कैबिन काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस फील होगा इसके अंदर। एंड अगर हम सेंटर से देखें तो इसके अंदर आपको 2 कप होल्डर्स एंड आर्मरेस्ट का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि स्लाइडेबल रहेगा। सो इसके अंदर आपको एक इंफोटेनमेंट सिस्टम एज एन एसेसरी बाहर से लगवाना पड़ेगा। रूफ से अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको 2 कैबिन लैंप्स एंड मैनुअल डे एंड नाइट आरवीएम मिल जाता है। रियर से भी देखें तो इसके अंदर आपको रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर एंड रियर एसी वेंट्स जैसे फीचर्स भी मिल जाएंगे इसके बेस वेरियंट के अंदर। एंड अगर हम बात करें स्पेस की तो आपको कैबिन इसका काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस लगेगा। साथ ही साथ आपको रियर पैसेंजर्स के लिए कैबिन लैंप भी मिल जाएगा। अब सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ड्यूअल एयरबैग, एबीएस प्लस सीबीडी, हिल होल्ड असिस्ट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परचेज रहेगी। इसके अंदर आपको एक पावरफुल इंजन मिल रहा है, काफ़ी सारे फीचर्स मिल रहे हैं, यूनिक डिज़ाइन मिल रहा है एंड कहीं ना कहीं आपको टोयोटा की रिलायबिलिटी भी मिल जा रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।